हेलो गाइज, व्हाट इज़ अप, वेलकम टू आवर चैनल जीबीजी ब्लॉग्स। तो आज हम निकल पड़े हैं एक सुंदर सी राइड पे। तो चलो कुर्सी की पेटी बांध लो भाई लोग। तो आज हम निकले हैं फिर से गांव की ओर। आज एक्चुअली है संडे, तो इसलिए मैं सोच रहा था कहाँ पे राइड करूँ, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था। फिलहाल तो मैं निकला तो हूँ घूमने के लिए, तो मैं सोचा आज चलो गाँव की ओर ही चलते हैं भाई। गाँव की ओर जब भी गाँव की ओर जाते हैं भाई, बहुत मज़ा आता है भाई। तो हमारे मैंने ज़्यादा गांव मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम घना उस साइड ही है। तो फिलहाल तो उस साइड बॉर्डर भी है। चलो हम बॉर्डर के एकदम पास नहीं जाएंगे, मतलब बॉर्डर दिखेगा नहीं, लेकिन वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आगे जाकर ही बॉर्डर मिलेगा आप लोगों को। तो फिलहाल तो चलो चलते हैं गाइस। ये देखो भाई रोड, इतना अच्छा रोड के अंदर भाई, अच्छा रोड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन देखो रोड के अंदर धूप है गाइस, बहुत गर्मी लग रही है। तो अभी हम आ गए हैं कुछ ऐसी वाली जगह पे जो कि बहुत गांव की ओर है। तो आप देख सकते हो भाई, दोनों ओर जंगल ही जंगल है और छोटे छोटे घर है भाई। छोटे घर का मज़ा ही कुछ और है, या मतलब बड़े घर भी है, ज़्यादातर छोटे बच्चा है। अरे जो यहाँ पे लीन देखो भाई, लीन जस्ट चेक करो भाई, ये देखो, थोड़ी देर देखो, देखने के बाद समझ जाओगे। ये देखो भाई, ये देखो, अरे भाई भाई यहाँ पे लीन नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे ये जो बिछा हुआ है ना, ये बहुत स्लिप करता है भाई। तो अगर एक बार स्लिप कर गया तो फिलहाल तो चारों खाने चीत हो जाएंगे। तो फिलहाल ये देखो और एक लीन भाई, ये मस्त मस्त लीन है, लेकिन गांव है ना इसलिए ज़्यादा लीन नहीं कर सकते। और वैसे भी रोड का हाल इतना अच्छा नहीं है कि अच्छे से लीन किया जाए। ये बहुत छोटे छोटे कंकड़ भाई, मतलब रोड ख़राब होने के बाद वो जो कंकड़ता है वो ऊपर आ गया है, तो इसलिए। तो अभी हम आ गए हैं मैदान वाली साइड पे, तो यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे। लेफ्ट जाने के बाद ये रोड तो और भी ख़राब है भाई। चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो ये देखो गाइस, हमारा अभी अंदर से हो गया है अभी ये वाला जो रोड है। ये इस रोड पर मैं लगभग 2 से 3 साल बाद आया हूँ, मतलब 2 से 3 साल पहले इस रोड पर आया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है इसलिए ज़्यादा। तो फिलहाल तो जितना मुझे याद है यहाँ से सीधा है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो अभी अपने लोगों ने सिनेमैटिक्स एंजॉय किया, फिर सिनेमैटिक्स के बाद हम आ गए हैं ऐसी रोड पर। और गांव में आने के एक और फ़ायदा भी है कि अब मैं जब कैमरा लेके आता हूँ गांव में ना, तो फिलहाल तो मुझे भाई क्या लेके जा रहा है भाई, बंदे देखते हैं भाई। बहुत लोग समझते हैं, जो यंग जनरेशन है वो लोग समझते हैं कि कैमरा लेके यूट्यूब फिर वह होता है भाई। फिलहाल यहाँ से हमें लगता है सीधा जाना है। हाँ तो मैं जो बोल रहा था, कैमरा वैमरा लेके भाई सब रिएक्शन अच्छा अच्छा रिएक्शन आता है। तो मैं फ़िलहाल तो मैं निकला हूँ राइड पे, मैं घर में एक बाइक का प्लानिंग कर रहा हूँ भाई। तो ये उस बाइक की वजह से भाई, उसके बाद निकलेंगे भाई रिएक्शन के लिए। तो फिलहाल तो चलो गाइस, अभी हम आए हैं ऐसी वाली रोड पर। अरे बाप रे भाई, ये देखो भाई धूप ही धूप है भाई, मतलब क्या धूप है भाई, बहुत गर्मी लग रही है, अंदर से पूरा पसीना पसीना हो गया। रुक के कहीं ठंडा पिए, चलो देखते हैं आगे मिलता है तो पी देंगे। ये यहाँ पे रोड देखो भाई, ये इस साइड एक साइड मतलब बहुत ऊँचा है और एक साइड बहुत नीचा है। तो फिलहाल तो ये देखो भाई, यार यहाँ पे लीन करा सकते हैं, लेकिन भाई रोड बहुत ख़राब है। तो फिलहाल आ गए हैं कुछ ऐसी जगह पर। अरे बाप रे बाप, बहुत हिल रहा है भाई गाड़ी, बहुत हिल रहा है। ये यहाँ पे तो बहुत ऊंचा है ऊपर इस साइड। ये बहुत अच्छा रिएक्शन है भाई, उसने शायद मुझे बुलाया, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा भाई, अभी हमें जल्दी जाना है भाई, हमें बहुत सा एरिया कवर करना है अभी। तो फिलहाल तो चलो चलते हैं, हम अभी निकले हैं, हम अभी 10:30 बजे से पहले हमको घर जाना है, क्योंकि घर में एक काम भी है मुझे। फिर
भाई ये बड़ा अच्छा रिएक्शन लगा भाई, गांव में आने का ऐसा ही मज़ा है भाई। इस रोड से मैं जब भी आऊँगा अब इस रोड से ही आऊँगा भाई गांव की ओर। भाई रिएक्शन बड़ा तगड़ा मिलता है भाई, क्या बोलूँ भाई, रोड बहुत ख़राब है भाई रोड। अरे बाप रे बाप, इस साइड। हाँ चलो चलते हैं भाई इनसे, चलो पूछ लेते हैं। फिलहाल तो उन्होंने बताया कि सामने, मैंने पूछा या मैंने बंगाली में पूछा कि एखान थे क्या सामने मेन रोड अच्छे एटा कौन दिखे, तो हिंदी में समझाता हूँ भाई। मैंने बोला कि यहाँ से सामने एक हाईवे है तो वो किस तरफ पड़ेगा, तो उसने बोला कि सामने सीधा जाके लेफ्ट लेना, उसके बाद हाईवे मिल जाएगा। तो फिलहाल तो चलते हैं उस ओर। फिलहाल अभी लेफ्ट लेने के बाद हम आ गए हैं कुछ ऐसे बाज़ार के अंदर, तो यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा लगता है, राइट में बॉर्डर है, हम कुछ सामने जाके ही है। तो चलो भाई यहाँ पे लोग बहुत है, धीरे चलाना पड़ेगा भाई। भाई धीरे चलाने का आदत नहीं है ना, इसलिए डालना पड़ेगा आदत भाई, सब जगह स्पीड से नहीं जा सकते ना। तो ये वो रोड है, राइट साइड में है बॉर्डर और लेफ्ट साइड में है क्या बोलते हैं वो गोबरडंगा की ओर जाने का रास्ता। तो मैं उससे पूछा कि गोबरडंगा इस तरफ है ना, उसने बोला सीधा चलो इसको, फिलहाल तो इसको ओवरटेक करके चलते हैं। तो ये देखो भाई रोड, देखो भाई रोड तो अच्छा है। चलो सामने और एक चीज़ दिखाता हूँ, तो ये जगह देखो भाई लेफ्ट साइड दोनों साइड कितना सुंदर लग रहा है। और एक बात, हमारे गोबरडंगा में फर्स्ट कोविड यहीं पे मतलब कोविड पेशेंट यहीं से मतलब आया था, वो बाहर से आया था, आने के बाद उसका घर यही दोनों साइड में आसपास किसी और है, मुझे नहीं पता किसी और है। यहाँ तक रोड बहुत अच्छा है लेकिन उसके बाद फिर से ख़राब। ये देखो भाई, ये देखो, अरे वाह, ये देखो भाई। तो कोविड पेशेंट जो बोल रहा था, कोविड पेशेंट फर्स्ट यहीं पे निकला था। ये देखो भाई रोड कितना ख़राब है भाई, कोविड इतना ख़राब है भाई, उससे ज़्यादा तो कोविड ख़राब है। कुछ दिन आया था, कुछ दिन पहले आके सब कुछ साफ करके चला गया। तो फिलहाल तो अभी मैं बोल रहा था कोविड पेशेंट वहीं पे उतरा है, मतलब उतरा है मतलब बाहर से आने के बाद वहीं पे आया था। तो फिलहाल उसके वहाँ से होम क्वारंटाइन किया, उसके बाद हमारे उधर मतलब सारा गोबरडंगा पूरा सैनिटाइज कर दिया। वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्प्रे टाइप का होता है, वो आने के बाद सबको सबके घर में जाके वो कर रहा था भाई। तो वो तो छोड़ो वो सब बात, ये रोड की बात पे आते भाई, ये रोड ठीक ही नहीं करते भाई, बॉर्डर है इसलिए ठीक नहीं करोगे भाई, बॉर्डर पे आर्मी का ट्रक भी कैसे जाएगा भाई। वो छोड़ो, वो तो बड़े बड़े ट्रक होता है भाई, उनका कुछ नहीं होता भाई, छोटी मतलब हमारे जो बाइक फोर व्हीलर्स ऐसे रोड ऐसी चीज़ों को, ये ऑटो देखो भाई, ये रिक्शा। तो फिलहाल तो ये इस चीज़ को कि ऐसे छोटे छोटे वाहनों को बहुत दिक्कत होता है भाई, इसलिए रोड पर ज़रा ठीक भी करो भाई। ये देखो भाई ये सब अपना इतना बड़ा बड़ा हाथी के जैसा गाड़ी इसमें चलेगा तो भाई ये रोड खाक बचेगा, इतना बुरा हो गया ये रोड पहले से। तो यहीं तक हम ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। होप यहाँ तक आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ कमेंट लाइक कमेंट शेयर कर दो,